हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और स्वागत है आप सभी का ऑटोमोबाइल्स ज्ञान थेरेपी के इस खास एपिसोड हैशटैग ज्ञान थेरेपी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन रूल आया है और जो इंडिया में बीएच सीरीज लॉन्च की गई है उसके बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नौकरी पेशे से हैं या कोई जॉब में हैं और आपका ट्रांसफ़र यदि किसी दूसरे शहर में हो जाए या हो गया हो, तो आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर चिंता तो रहती होगी। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, क्योंकि अब हमारे पूरे देश में गाड़ियों का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मान्य होगा, यानी कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की ओर है हमारा देश। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बीएच नाम से एक सीरीज लॉन्च की है, जिसे भारत सीरीज नाम से भी जाना जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सीरीज के फ़ायदे क्या हैं। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि उन लोगों को बार बार रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं कराना होगा जिनको बार बार शहर बदलना पड़ता हो। लेकिन दोस्तों, बीएच सीरीज की सुविधा कुछ खास श्रेणी के लोगों को ही मिलेगी, जैसे जो लोग डिफेंस सेक्टर से हों या केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी इस बीएच सीरीज का फ़ायदा ले सकती है, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट की शर्त यह है कि उनके दफ्तर 4 या उससे अधिक राज्यों में होने चाहिए, तो उन्हीं के कर्मचारी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक राज्य में रजिस्टर्ड गाड़ी को दूसरे राज्य में ले जाने के लिए उसका 1 साल के अंदर नया ट्रांसफ़र कराना ज़रूरी होता है, लेकिन इस बीएच सीरीज में आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। बीएच सीरीज का दूसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको रोड टैक्स के मामलों में भी देखने को मिलेगा। अभी हर राज्यों में अलग अलग रोडों के लिए अलग अलग टैक्स देना होता है, लेकिन बीएच सीरीज की गाड़ियों पर एक ही बार में दिया हुआ टैक्स मान्य होगा। लेकिन रूल्स के अनुसार अगर बीएच सीरीज के 14 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको हर साल टैक्स देना होगा। बीएच सीरीज में 10 लाख रुपए से कम वाली गाड़ियों पर 8% टैक्स लगेगा, जबकि 20 लाख तक की गाड़ियों पर 10% टैक्स। वहीं अगर आपकी गाड़ी 20 लाख रुपए से अधिक की है तो उस पर लगभग 12% टैक्स लगेगा। अगर आप डीजल श्रेणी की गाड़ियां रखते हैं तो उन पर 2% टैक्स लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2% से भी कम का टैक्स लगेगा। लेकिन बीएच सीरीज के 14 साल पूरे होने के बाद गाड़ियों पर टैक्स हर साल लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीएच सीरीज के तहत गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह स्वैच्छिक है, यानी कि आपके पास किसी भी राज्य में रजिस्ट्रेशन का विकल्प मौजूद रहेगा। अगर आप चाहो तो किसी भी राज्य में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। दोस्तों, इस बीएच सीरीज को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।